ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी अम्मी जान मलिका आजम मरियम मकानी यथाईद की शुरू करें। बरसों से रुकैया बेगम ने बहुत काबिलियत और लियाकत के साथ हरम को संभाला है। उन्होंने अपने ओहदे की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और हरम के तमाम इंतजामात भी किए हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि कुछ मसले उनसे भी नजरअंदाज हुए हैं। हमें लगता है कि एक नई मालकिन ओहदेदार का नया नजरिया शायद हरम के हक में हो, इसीलिए हम जोधा बेगम के नाम की तायीद करते हैं। अब बारी है गुलबदन बेगम की। हम रुकैया बेगम की हिमायत करते हैं। अब बारी है जीजी अंगाजी की। हम जोधा बेगम को चुनते हैं। अब बारी है महामंगा जी की। हम अपना मसलक बेगम रुकैया को देते हैं। अब बारी है सलीमा बेगम जी की। हम बेगम रुकैया सुल्तान की हिमायत करते हैं। अब बारी है बख्शी बानो जी की। हमारे होजरे में हबीजान की तस्वीर क्यों है? तारीफ कर रहे हैं तबस्सुम की बनाई तस्वीर। रुकैया बेगम, आपके आदेश अनुसार मैं आपके साथ आया हूँ, लेकिन आपका यह निर्णय बड़ा विचित्र सा लग रहा है मुझे। जानते हैं, परंतु जीवन स्वयं बहुत विचित्र है भान सिंह। जोधा हमारी बहन है, और जब से हमें पता चला है कि उसने विष पिया है, हमारा मन नहीं मान रहा। यद्यपि सूचना है कि वो ठीक है, परंतु जब तक हम उसे स्वयं नहीं देख लेते, हमारा मन नहीं मानेगा। मैं समझ सकता हूँ कुंवर, परंतु ये प्रयास कहीं आत्मघातक सिद्ध ना हो। परंतु हमें अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जाना आवश्यक है। और तुम जाओ और यमुना तट पर हमारी प्रतीक्षा करना। हम जोधा से मिलने के पश्चात तुम्हें वहीं मिलेंगे। ठीक है कुंवर। हुजूर, अब तक की गिनती के मुताबिक दोनों बेगमात की हिमायत करने वालों की गिनती एकदम बराबर है।
हुजूर, अब सिर्फ तीन लोग बचे हैं, जोधा बेगम, रुकैया बेगम और एक खुद आप। जोधा बेगम, आप किसकी हिमायत करती हैं? शहंशाह, हम अपना मत स्वयं अपने आप को देते हैं। रुकिए बेगम आप। शहंशाह, हमारी आपसे एक दरख्वास्त है। हम पहले जानना चाहेंगे कि आप किसकी तायीद करेंगे। हमारे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप दोनों ही हमारी बेगम हैं। आप दोनों ही हमारी जिंदगी में खास दर्जा रखती हैं, लेकिन जब बात यहां तक पहुंच गई है कि हमें फैसला करना होगा कि हम आप दोनों में से किसे चुने, तो हम उसे चुनेंगे जिसने जिंदगी के अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, जिसने हमेशा हमें नेक सलाह दी है। और हम चुनते हैं रुकैया बेगम आपको। प्रणाम शहंशाह। आप यहाँ? जी। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। हमें उसी विषय में आपसे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या यह नशा थी आप? हमें आपकी सहायता चाहिए शहंशाह। मैं हैरत हो रही है ये बात जानकर कि आपको हमसे मदद चाहिए। बताइए। हम लज्जित हैं, ये बात हमें आपसे पूछनी तो नहीं चाहिए, फिर भी आपके सिवा हम किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं। घबराइए मत शोधा बेगम, बता दीजिए, बोलिए। हमें आपका मदद चाहिए शहंशाह। तो ये मदद चाहिए आपको, ये जानते हुए कि ये कायदे के खिलाफ है, ये जानते हुए ये बेईमानी है, ये जानते हुए कि हमें ऐसी हरकतें ना पसंद है, आप चाहती हैं कि शहंशाह इंतखाब में आपके हिसाब से चले। आखिर क्यों? क्योंकि हम आपके और रुकैया बेगम के बीच में नहीं आना चाहते हैं। वो आपके बचपन के मित्र हैं और आपका मत उनके लिए बहुत महत्व रखता है। वो हारे या जीते उससे इतना अंतर नहीं पड़ेगा जितना आपका मत उन्हें ना देने से उनका दिल टूट जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी सोच को एक तरफ रखकर अपना मत उन्हें दें। बस हम इतने ही चाहते हैं आपसे। अब किसी भी दिन हमें हैरत में डालने का मौका नहीं छोड़ती है ना जोधा बेगम। ये जानते हुए कि वो आपके खिलाफ है, आप फिर भी उनकी सिफारिश हमारे पास लेकर आई हैं। मान लीजिए अगर हम ऐसा करते हैं तो बदले में रिश्वत में हमें क्या मिलेगा जोधा बेगम? आप शहंशाह, हम आपको भला क्या दे सकते हैं? हुजूर, अब दोनों बेगम बराबरी पर हैं। अब सिर्फ बची है रुकैया बेगम। अब उनकी तईद और हिमायत ही ओहदेदार का फैसला करेगी। खुशी है कि आज भी इस हरम में हमारे इतने चाहने वाले हैं जिन्होंने हमारे नाम की हिमायत की और इस मुकाबले को टक्कर का बनाया। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं हम अपने शौहर और शहंशाह के जिन्होंने इस वक्त भी हमारा साथ दिया। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम हरम के सारे इंतजाम बेहतर तरीके से कर सकें और सबको खुश रख सकें, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें हमसे बहुत शिकायत है, तो हम चाहते हैं कि इन्हें इनकी शिकायत दूर करने का एक मौका मिले। इसलिए हम हरम के मालकिन ओहदेदार के
जोधा बेगम के नाम की तईद कर। जिसने भी जोधा बेगम की सिफारिश की वो रुकैया बेगम तो नहीं हो सकती। हरगिज नहीं। रुकैया बेगम इतनी आसानी से ना तो अपना हक छोड़ सकती है और ना ही शिकस्त कबूल कर सकती है। वो भी जोधा बेगम के सामने। हरगिज नहीं। लगता है रुकैया बेगम बदल रही है, कोशिश कर रही है नेक बनने की। हरम में तो रुकैया बेगम के प्राण बसते थे, वो उनका गर्व था, अभिमान था, उन्होंने उसे छोड़ दिया पता नहीं क्यों। हमें तो लगा था कि यदि उनके पराजय हुए तो वो हरम में आग लगा देके उत्पात मचा देगी, परंतु नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि हंसते हुए अपना मत आपको दे दिया। समझ नहीं आता किस लिए। ये बात तो हम नहीं जानते, बस अब इतना जानते हैं कि हमें हरम का कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक और योग्यता से निभाना होगा। परंतु समझ नहीं आया जोधा कि सलीमा बेगम ने रुकैया बेगम को अपना मत क्यों दिया, उनका मन कैसे बदल गया। क्योंकि हमने उन्हें ऐसा करने को कहा था। क्या? हाँ मुती, हमने सलीमा बेगम से प्रार्थना की थी कि वो रुकैया बेगम को ही अपना मत दे। नहीं जोधा बेगम, हम आपको ही चुनेंगे। परंतु ऐसे में रुकैया बेगम के दिल को ठेस पहुंचेगी ना, वो आपकी बहन है और आपके पति उनका व्यवहार भी अच्छा है, और यदि ऐसे में आपने अपना मत हमें दिया तो बेकार में दो बहनों के बीच जीवन भर के लिए बैर पड़ जाएगा, जो हम नहीं चाहते। सलीमा बेगम, कहने के लिए तो रुकैया बेगम हमारी बहन है जोधा बेगम, लेकिन रिश्तों को बेहतर तरीके से आप समझती हैं। परंतु मोती, रुकैया बेगम ने ऐसा निर्णय क्यों लिया ये हमें कतई समझ नहीं आया। ये चाहती क्या है वो? हम रुकैया को बचपन से जानते हैं, वो इतनी आसानी से किसी को अपना हक नहीं दे सकती। जिस तरह जोधा बेगम को उसने हरम की जिम्मेदारी दे दी, हम हैरान हैं। आपको क्या लगता है गुलबदन, क्या है रुकैया के दिल में? हम तो खुद इस वाक्य से हैरत में हैं भाभी जान, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे रुकैया बेगम का यही जज्बा हो कि वो जोधा बेगम को एक मौका देना चाहती हूँ। शायद हरम चलाते चलाते थक गई हैं वो। हम नहीं मानते कि रुकैया हरम से थक गई है। खुदा करे कि वाकई आपकी बात सच हो और रुकैया एक बार जोधा को मौका देना चाहती हो, लेकिन अगर कोई और वजह है तो वाकई आगे चलकर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आखिर फतेह के पास पहुंचकर भी रुकैया बेगम ने जोधा बेगम को क्यों चीत जाने दिया? जोधा बेगम को हरम संभालने के पीछे क्या मकसद हो सकता है रुकैया का? आखिर शिकस्त में तुम्हारी कौन सी फतह छिपी है रुकैया? मोती, हमने सोचा था कि हरम के कार्यभार को संभालने से पहले हम अंबे माँ के दर्शन कर लें। हम उनका आशीष मिल गया है, अब हम तैयार हैं। हमारी ही तरह अंबे माँ को भी आपके ऊपर पूरा विश्वास है जोधा, आप रुकैया बेगम से अधिक अच्छे से ये कार्यभार संभाल पाएंगी। मोती, तुम यहाँ से प्रसाद बांटना शुरू करो, हम इस तरफ से वितरित करते हैं। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम? कौन हो? हमें जोधा सुजामल।
सुजमल भाई साहब, कैसा लगेगा आपको ये सच जानकर कि ये कायरता आप ही के भाई आमिर के घोड़े सूजा मलने की है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें सूचना मिली थी कि तुमने विष पी लिया है, हम इसे रहने की, और इसलिए तुम्हें देखने चले आए। परंतु हम आपका मुख भी नहीं देखना चाहते। क्यों हमारे जीवन में विष घोल रहे हैं आप? पहले बापूसा के साथ शत्रुता साधी और अब शहशाह के सुबह पर आक्रमण कर दिया आपने? नहीं जोधा, एक राजवंशी जब युद्ध में उतरता है तो उसके सामने केवल उसका शत्रु होता है, कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं। और वैसे भी हमने मुगलों पर कोई अनाधिकृत आक्रमण नहीं किया, और ये शत्रुता आज से नहीं वर्षों से चलती आ रही है। वही मुगल शहशाह आपकी बहन के पति है, आपने उनके संबंधियों को मार डाला। हमने किसी को नहीं मारा जोधा, वो लोग वीर गति को प्राप्त हुए और इसीलिए हमने सम्मान से उनके शव आगरा वापस भिजवा दिए हैं। हमने केवल उसी का वध किया जो हमारे विरुद्ध खड़ा हुआ, परंतु एक बात का हमें भान है कि वो मुगल हैं और हर मुगल हमारा शत्रु। आप हमें देखने आए थे ना, देख लिया, अब चले जाइए यहां से। हर मुगल आपके लहू का प्यासा है, क्योंकि शहंशाह ने आदेश दिया है कि आपको प्रस्तुत करे जीवित या मृत। अब चले जाइए सुजाबल भाई साहब, इससे पहले शहंशाह की पत्नी होने का कर्तव्य एक बहन के प्रेम पर हावी हो, आप चले जाइए। जा रहे हैं, तुम्हें देखने आए थे ना कि तुम कितनी प्रसन्न हो, देख लिया। सदैव प्रसन्न है ना? क्या हुआ जोधा, कौन था? कोई नहीं मोती, बस किसी को देखकर आमिर का स्मरण हो आया था। हुजूर, पीर मोहम्मद का पैगाम आया है। मालूम हुआ है कि बास बहादुर को मेवाड़ के कुंवर राणा प्रताप की तरफ से मदद आ रही है। कुंवर राणा प्रताप मुगल सल्तनत के खिलाफ आपके सभी दुश्मनों को इकट्ठा कर रहे हैं। अदगर साहब, पीर मोहम्मद और आदम खान को पैगाम भेजा जाए कि हमें हर हाल में मालवा चाहिए और साथ ही में हम बास बहादुर का सर कुचला हुआ देखना चाहते हैं। हुक्म की तामील होगी हुजूर। हमें आपसे एक और बात करनी थी अदगर साहब। हुक्म कीजिए हुजूर। जोधा बेगम के होश में आने पर हमने आवाम से वादा किया था कि हम इनके लिए बहुत बड़ा जश्न रखेंगे, चूंकि अब जोधा बेगम दुरुस्त हैं तो ये माकूल वक्त है उस जश्न के लिए। बेहतर है शहंशाह। तो आवाम में ऐलान कर दिया जाए अदगर साहब कि कल एक जश्न होगा। जश्न इतना आलिशान होना चाहिए कि हमारी रियाया दिल खोल कर उसका लुत्फ उठाए। जी हुजूर। बड़ी में हम सोच रहे हैं कि हम ये खबर जाकर खुद जोधा बेगम को दें। मुबारक हो बेगम रुकैया। शुक्रिया। फक्र है हमें आप पर, हार कर भी जीत गई आप। क्या चाल चली, पूरा का पूरा हरम, बेगम आज, मलिका आजम, जलाल, सारे चौंक गए। पर बेगम जोधा, आपने देखा उन्हें, उनके पैरों के तले जैसे जमीन खिसक गई हो। लेकिन अचानक ये फैसला लेने की क्या जरूरत आन पड़ी आप पर? वजह थी महामंगा, जोधा बेगम बेनजीर के जहर से बच गई, लेकिन हमारी इस चाल के कहर से नहीं बच पाएगी वो। अब हरम उनके अख्तियार में, दिन ब दिन, रोज दर रोज वो हरम के मुआमलात में मशरूफ होती जाएंगी। अभी तो उन्हें ना हरम की समझ है ना मुगल कायदों,
और ये समझ आते आते जोधा बेगम को वक्त लग जाएगा। फिर उनका सारा वक्त हरम को नजर हो जाएगा, वो हरम के मामलों में उलझी रहेंगी, हम अपनी उलझी हुई जुल्फे जलाल से सुलझवाते रहेंगे और जलाल के दिलो दिमाग से जोधा बेगम का नामो निशान मिटा देंगे हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या चाल है। लेकिन ये चाल यहीं खत्म नहीं होती महामंगा, ये दोधारी तलवार है। हरम संभालना इतना आसान नहीं है, हजारों औरतों का इंतजाम करना इतना आसान नहीं है, उनकी फरमाइशें पूरी करना नामुमकिन है। उनके झगड़े, उनकी मुसीबतें, उनकी मुश्किलें मोहब्बत से नहीं सुलझाई जा सकती। आखिर कब तक मोहब्बत दिखाएंगी जोधा बेगम? कभी तो समझ में आएगा जोधा बेगम को कि हरम सिर्फ गुस्से की ताकत से चलता है, आंखों की खौफ से काम करता है। फिर उन्हें भी हमारी तरह शक्ति दिखानी होगी और जब जब वो शक्ति दिखाएंगी तो सारे लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। फिर जोधा बेगम के पास ना ही हरम रहेगा ना ही जलाल, सिर्फ मलाल रहेगा कि उफ, हम रुकैया बेगम से क्यों उलझे। मानना पड़ेगा बेगम रुकैया, क्या चाल चली है, वाकई बेहतर शह और मात। इसके पीछे भी आप ही की सलाह का कमाल है महामंगा। याद है पिछली बार आपने हमें समझाया था कि जलाल को इस खेल में घसीट के हमने गलती की है। इस बार सिर्फ और सिर्फ जोधा बेगम को हमने अपना निशाना बनाया है। जलाल भी हमारे होंगे और ये हरम भी।